तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में ट्रस्ट वैलेट किस प्रकार से बना सकते हैं, और आपको यह भी बताने वाले हैं अगर आप अपनी आईडी फोर्साज में लगाना चाहते हैं तो आपको किन किन करेंसियों को सिलेक्ट करना है। दोस्तों, क्योंकि जब आप फोर्साज में आईडी लगाते हो तो आपको स्लॉट एक्टिवेट कराने के लिए यूएसडी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, BUSD रिसीव करने के लिए आपको कौन कौन सी करेंसी सिलेक्ट करनी है यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और करेंसी सिलेक्ट करने के बाद आपको करेंसी अपने वैलेट में किस प्रकार से रिसीव करनी है यह भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है। आपको बता दें, प्ले स्टोर सभी के फ़ोन में होता है, तो आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। जैसे ही आपका प्ले स्टोर ओपन होता है तो आपको ऊपर सर्च बार दिख जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड निकल आएगा। अब आपको वहाँ पर ट्रस्ट वैलेट सर्च करना है। दोस्तों, जैसे ही आप ट्रस्ट वैलेट सर्च करते हो तो आपके सामने ट्रस्ट वैलेट आ जाएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपको ओपन का ऑप्शन आएगा। अब आप अपने ट्रस्ट वैलेट को ओपन कीजिए। जैसे ही आप अपने ट्रस्ट वैलेट को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप क्रिएट इन न्यू वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो आपका वैलेट क्रिएट होने लगेगा। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक अगला इंटरफेस आएगा, यह देखिए कुछ इस प्रकार का। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर टिक कीजिए और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू पेज खुल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड दिख जाएगा। दोस्तों, इस पासवर्ड को आपको बिल्कुल अपनी डायरी में लिख लेना है या आपको अपनी ईमेल आईडी में अपलोड कर देना है। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट नहीं होता है, यह पासवर्ड आपको लाइफ में एक बार ही मिलेगा, तो आप इस पासवर्ड को बिल्कुल संभाल के रख लीजिए और इस पासवर्ड को आप 2-3 जगह अपनी डायरी में लिख लीजिए। और यदि आपसे ये पासवर्ड लाइफ में कभी गलती से खो जाता है और आपका ट्रस्ट वैलेट आपसे डिलीट हो जाता है तो दोस्तों, आप इस वैलेट को अपनी लाइफ में कभी भी दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे बिना पासवर्ड के। दोस्तों, आपके पास पासवर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आप इस पासवर्ड को दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही तो इसमें आपका मोबाइल नंबर लगता है और ना ही ईमेल आईडी, जो कि आप इस पासवर्ड को दोबारा से निकाल पाओगे। इसीलिए दोस्तों, आप इस पासवर्ड को अपनी डायरी में 2-3 जगह लिख के अलग अलग रख दें ताकि आपका पासवर्ड बिल्कुल सेफ रहे। और आपको बता दें, इस पासवर्ड को आप अपने फ्रेंड या किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि आप अगर उस पासवर्ड को किसी को दिखा दोगे या किसी को भेज दोगे तो जितना हक वैलेट पे आपका है उतना ही हक आपके दोस्त का होगा। दोस्तों, यह पासवर्ड आपको एक बार मिलता है, इसीलिए आप इसे बिल्कुल प्राइवेट रखें और किसी को भी नहीं दिखाएं। दोस्तों, अगर आपका मिलने वाला या आपका अपलाइन इस पासवर्ड को देखने के लिए कहता है तो आप बिल्कुल भी नहीं दिखाएं, क्योंकि आपके साथ लाइफ में फिर धोखा हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे आप अपना वैलेट बनाते हैं तो यहाँ पर आपका पासवर्ड सो होता है। अब आप इस पासवर्ड को आप उतार लीजिए, जैसे कि आपको इसमें क्रम वाइज दिखाया गया है, आप इसी प्रकार से उतारिए। जैसे कि एक नंबर पर क्या लिखा है, दूसरे नंबर पर क्या है, तीसरे पे क्या है, इसी प्रकार से आप क्रम बाई क्रम उतार लीजिए और अपनी डायरी में रख दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में जो पासवर्ड दिखाया गया है, इस पासवर्ड को नहीं उतारना है आपको। जो आपके मोबाइल में आपको दिखाया जाएगा, आपको वह अपना वाला पासवर्ड उतारना है। अब आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने न्यू ऑप्शन आ जाता है। अब आपके सामने वही 12 ऑप्शन आ जाते हैं जो कि आपको पासवर्ड में दिखाए गए थे। अब नीचे आपको डन वाला ऑप्शन मिलेगा, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो अभी हमारा कुछ भी नहीं होगा, पहले हम अपना पासवर्ड वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों, यह हमारे वही ऑप्शन है जो हमारे पहले दिखाए गए थे पासवर्ड, जब हमारा पासवर्ड सो हुआ था। दोस्तों, यह देखिए, जो हमारे पहले नंबर पर लिखा हुआ था वह हमारा कहाँ पर है, वह हमें इसमें देखना है और हमें उस पर क्लिक करना है तो वह पासवर्ड हमारा ऊपर पहुँच जाएगा। और दूसरे नंबर पर क्या था, हमें उसको देखना है और उस पर क्लिक करना है तो वह भी ऊपर पहुँच जाएगा। इसी प्रकार से हमें 12 के 12 पासवर्ड को क्लिक करना है और क्रम बाई क्रम लगा देना है, जो कि हमने डायरी में उतारा था, ठीक उसी प्रकार से। दोस्तों, हम आपको एक फ़ोटो के द्वारा समझा रहे हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यह ऊपर नहीं जाएगा, अगर आप अपने फ़ोन में क्लिक करोगे तो यह ऊपर पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको फ़ोटो के द्वारा समझाया जा रहा है, तो आप अपने पासवर्ड को ठीक से वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ही आपके 12 का 12 पासवर्ड ठीक से वेरीफाई हो जाते हैं तो आपके यहाँ पर डन वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो जैसे ही आप डन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाएगा, योर वैलेट वाज सक्सेसफुल क्रिएटेड। दोस्तों, आपका वैलेट सक्सेसफुली बन चुका है। अब यह देखिए, आपका ट्रस्ट वैलेट ओपन हो चुका है और यहाँ पर डन कर दीजिए। अब आपका ट्रस्ट वैलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे आप फोर्साज में आईडी लगाने के लिए कौन सी करेंसी की ज़रूरत होती है। आपको यहाँ पर 3-4 करेंसी मिल जाएंगी,
लेकिन आपको यह करेंसी बंद करनी है और जो आईडी लगाने में इस्तेमाल होती हैं वह करेंसी आपको इनेबल करनी है। तो आपको सबसे ऊपर दो डंडे दिख रहे होंगे, ये देखिए राइट साइड में ऊपर दो लकीर दिख रही होंगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह ऑप्शन होता है, तो आपको यहाँ पर 3-4 करेंसी इनेबल दिखेंगी जो कि हल्की सी ब्लू कलर में दिखेंगी, और दोस्तों आपको बाकी सभी करेंसी बंद दिखेंगी। तो आपको स्मार्ट चेन BNB दिखाई देगा। दोस्तों आपकी यही करेंसी ओपन रहनी चाहिए, बाकी सभी करेंसी डिसेबल हो जानी चाहिए, यानी कि बाकी जो 3 करेंसी हैं बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, इन सभी को आप डिसेबल कर दीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो यह सभी बंद हो जाएंगे। अब जैसे ही यह बंद हो जाते हैं तो आपको ऊपर सर्च टोकन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके फ़ोन का कीबोर्ड निकल कर आएगा। दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है आपको BUSD। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो आपके सामने काफ़ी करेंसी आ जाएंगी। तो आपको सबसे ऊपर पहले और दूसरे नंबर पर दो करेंसी दिखाई देंगी, आपको जो करेंसी सिलेक्ट करनी है यानी कि जो करेंसी आपको चालू करनी है, इनेबल करनी है, वह आपको बाइनेंस PEG BUSD वाली करेंसी इनेबल करनी है। आपको यह वाली करेंसी को इनेबल कर लेना है, और स्मार्ट चेन BNB आपकी पहले इनेबल थी ही। तो दोस्तों जैसे ही हमारी ये दो करेंसी इनेबल हो जाती हैं फिर हम बैक आ जाते हैं और अपने ट्रस्ट वैलेट के होम पेज पर आ जाते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं, जब आप अपनी फोर्सार्ज की आईडी लगाते हो तो आपको स्लॉट एक्टिवेट करने के लिए BUSD की ज़रूरत होती है, तो उन BUSD को हम किस प्रकार से मंगवा सकते हैं अब हम आपको बताने वाले हैं। यह देखिए बाइनेंस PEG BUSD वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें ऊपर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब हमें रिसीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यह देखिए तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है, एक QR कोड आ जाता है और एक कॉपी वाला ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों हमें कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारी लिंक कॉपी हो जाती है और इस लिंक को हम WhatsApp पर पेस्ट कर सकते हैं। इस लिंक को कॉपी करने के बाद हम उस व्यक्ति को भेजेंगे जिससे कि हमें BUSD लेने होंगे। दोस्तों हम WhatsApp पे इस लिंक को पेस्ट कर देंगे और वह व्यक्ति इस लिंक के द्वारा ही हमारे वैलेट में बैलेंस भेज देगा जिससे कि हम अपनी फोर्सार्ज की आईडी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप फोर्सार्ज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमसे WhatsApp पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप फोर्सार्ज की जूम मीटिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करके WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जिससे कि आप डेली जूम मीटिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो।